हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पांडे जी द हेल्थ में। दोस्तों, आज फिर एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ और पिछले वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया था, इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा रहा था उस वीडियो का। और आज का टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है कि पेट में गैस क्यों बनती है। पेट में गैस बनना, पेट में दर्द होना, कब्ज इत्यादि आखिर क्यों बनता है और उसको सही कर कैसे करते हैं। और सही करने की दवा मैं बताऊंगा, बिना पैसे की दवा और घरेलू दवा जो बिल्कुल काफ़ी लाभदायक रहेगी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करके और लाइक बटन ज़रूर दबाएं दोस्तों। और आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये जान लें कि आखिर पेट में गैस क्यों बनती है। आज के समय में इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आजकल कोई अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाता है दोस्तों। तो ऐसा होता है कि जैसे हम जैसे खाना खा रहे होते हैं, खाना हम जल्दीबाजी में खाते हैं, बिना कूचे खा लेते हैं। कभी भी खाना खाएं तो उसको समय दे के खाएँ। आखिर इंसान मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, काम करता है उसी खाने के लिए। और उस खाने को आप जब जल्दी जल्दी खा लेते हैं और वही खाना अगर आप चबा के नहीं खाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर जो पाचन तंत्र होता है हमारा, पाचन क्रिया हमारे मुख से प्रारंभ हो जाती है। पाचन तंत्र जो वीडियो हम बनाएंगे पाचन तंत्र का, उसमें पूरी डिटेल बताएंगे। पाचन क्रिया हमारे मुख से प्रारंभ हो जाती है और पाचन क्रिया दो प्रकार की होती है, एक फिजिकली और एक केमिकली। तो फिजिकली प्रक्रिया जो होती है वो हमारे मुख से प्रारंभ हो जाती है और मुख से प्रारंभ होते ही उसमें अनेक प्रकार के जो है एंजाइम उसमें मिल जाते हैं, जैसे लाइसोजाइम हो गया, टाइरिन हो गया, डाइस्टेज वगैरह हो गया, ये सब भोजन को वहीं से पचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में खाने को जल्दी खा लेते हैं और वो खाना अच्छी तरह से टुकड़ों में नहीं बट पाता है और उसमें एंजाइम नहीं मिल पाते हैं अच्छी तरह से, और वो हमारे आमाशय में भोजन जाता है और वो भोजन काफ़ी 4 घंटे की बजाय 8 घंटे तक पड़ा रहता है पेट में और वहीं पर सड़ने लगता है और इस वजह से जो है गैस का कारण बन जाता है वो। दोस्तों, दूसरा कारण ये है कि जैसे हम खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उसमें खाना खाते समय या पानी पीते समय कुछ एयर हवा चली जाती है हमारे भोजन में, भोजन के साथ, और वो हवा दोस्तों आमाशय में जाके पड़ी रहती है। अब क्या होता है कि जैसे हमने अच्छा भोजन किया, चबा कर खाया और अच्छा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छी तरह चल रहा है, तो वो गैस क्या होती है, कुछ डकार के रास्ते बाहर आ जाती है और कुछ गैस जो हमारे आमाशय से होती हुई जब छोटी आंत या बड़ी आंत में जाती है तो वो नीचे के रास्ते एयर पास हो जाता है, तो इस प्रकार वो निकल जाती है। लेकिन अगर वही एयर पास नहीं होगा तो वही गैस वो भी बनने का कारण है, डकार नहीं आता है तो वो भी गैस जो है आमाशय में रुक जाएगी। तीसरा कारण ये है दोस्तों कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय पानी ज़्यादा पीते हैं, एक कौर खाया पानी खूब पी लिया, फिर दूसरा कौर खाया फिर पानी पी लिया, ऐसा नहीं करते दोस्तों। खाना खा रहे हैं थोड़ा पानी पिए और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, जितना पानी आपको पीना है उतना पानी पीजिए, क्योंकि खाना खाते समय अगर आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो भोजन के साथ जो एंजाइम होते हैं जो खाने को पचाते हैं वो एंजाइम जो है पानी की वजह से पतले हो जाते हैं, तो उनकी क्रियाशीलता जो है वो कम हो जाती है दोस्तों। तो वो खाने को बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं पचाने में, या वो क्रियाहीन हो जाते हैं तो वो पचा भी नहीं पाते हैं, और ये भी कारण हो जाता है गैस बनने का। चौथा सबसे बड़ा कारण है कि समय से न उठना, समय से देर रात तक जगना, बाहर की चीज़ें खाना, तली हुई चीज़ें खाना, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाना, ये सब चीज़ें भी गैस का कारण बन जाती हैं दोस्तों। तो आइए इसका निवारण भी करते हैं, निवारण भी देखते हैं, और आपको मैं सबसे सस्ता इलाज बताऊंगा इसका कि आखिर पेट में गैस को कैसे सही करें दोस्तों। सबसे बढ़िया रामबाण इलाज है गैस को सही करने का, आप सुबह उठिए, सुबह गुनगुना 1 गिलास पानी गुनगुना आप पीजिए, डेली 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी क्या करता है, जैसे घर पे रोज डेली घर पे झाड़ू लगाया जाता है घर को साफ़ करने के लिए, तो इसी प्रकार रात में जो हम भोजन किए रहते हैं वो पूरा रात में पच जाता है और जो थोड़ा बहुत बच जाता है आमाशय में या छोटी आंत में, तो वो होता है गर्म पानी से क्या होता है उसकी सफाई हो जाती है दोस्तों। जब सफाई हो जाती है फिर हम सुबह खाना खाते हैं तो वो फिर अपने रूटीन पर चलता रहता है। तो पहला काम ये करना है कि आपको डेली सुबह गर्म पानी पीना है।
दूसरा, खाने को पूरा टाइम देकर चबा कर खाएँ, ताकि उसमें जो हमारे जो एंजाइम्स वगैरह हैं, जो लार ग्रंथियां हैं, वो पूरी तरह से मिल जाए, और दांत भी अपना जो फिजिकल क्रिया है उसको पूरा कर लें, ताकि भोजन जब अंदर आइसोफेगस से होते हुए अंदर जाए तो पूरी तरह से अपना काम कर चुका हो। तो इस वजह से टाइम ज़्यादा देकर खाएं और चबा कर खाएं। तीसरा, पानी, खाना खाने के बाद पानी जो है 1 घंटे बाद पिएं। 1 घंटे बाद आप चाहे जितना पानी पिएं कोई दिक्कत नहीं। अगर पेट में दर्द हो रहा है, अचानक तेज़ पेट में दर्द होने लगे, तो उसका सबसे बड़ा बढ़िया इलाज ये है कि आप मेथी लेकर के और पानी, मेथी और पानी को उबाल करके, और मेथी जब ठंडा हो जाए तो मेथी को खा करके वही पानी जिस पानी में उबाला गया है वो जो है आप पी लीजिए। आपको 10 से 15 मिनट में आराम मिलेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। और दोस्तों, जब हम पाचन तंत्र पे पूरी डिटेल जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं पूरा जो है मुख से लेकर पूरी आहार नाल हम बताएंगे उसमें, कि मुख से भोजन जाता है, आमाशय में जाता है, छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर उधर से होते हुए फिर बाहर चला जाता है, और बीच में लीवर क्या काम करता है, पित्ताशय क्या काम करता है, अग्नाशय क्या काम करता है, ये सारी डिटेल हम उसमें बताएंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही।